16 घंटे पहले। प्राइम लोकेशन है, स्टेशन पास है, सारे टूरिस्ट यहीं से आते जाते हैं। आप यहाँ पर कोई भी दुकान खोल लो, चलनी चलनी। फिर आपकी क्यों नहीं चली? क्योंकि भगवान ने ये दुकान आपके नाम लिख रखी थी। देखिए, बड़ी मुश्किल से मैंने पापा को बनाया है, इससे पहले कि वो बिदक जाए आप डील डन कर लो। अब इससे कम रेट में वो नहीं मानेंगे। जो ऑफर मैंने दी है वो मंजूर है तो बोलो, नहीं तो फॉर सेल तो बहुत सारी दुकानें पड़ी हैं रतलाम में। तो आप वही चले जाइए, क्योंकि अब ये दुकान फॉर सेल पर नहीं है। मम्मी, नहीं बेचनी, मतलब सुबह ही पापा से बात हुई है, पापा तो कह रहे थे कि बेचनी है दुकान। भाई साहब, यहाँ खड़े होने का कोई फायदा नहीं है, ये दुकान बिकाऊ नहीं है। आपकी मर्जी। और आपको क्या लगता है, आप चला लोगी? रोहित भैया, जब ये स्कूटी आई थी तब भी आपने भाभी से यही बोला था, चला लोगी। तो है ना उल्लू, ले खोल दुकान। मम्मी और तू फिक्र मत कर, इस काम में तेरी माँ के साथ एक और माँ है, लक्ष्मी माँ, वो मुझे फेल नहीं होने देंगी। दामाद जी। यस डैडी जी। ये कौन कितने खाता है? आपको कितने खाने हैं? सविता सुबह बना के गिन के गई होगी ना। देख लीजिए सासू माँ कहीं पराठे में नाम लिख के तो नहीं गई। इस घर का तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता। पापा आप भेजते हो दुकान भेज दे, मम्मी वहां से उल्टा भेज देती। क्या हुआ साले साहब, क्या हुआ? मम्मी ने दुकान खोल दी, किसी को पता भी है? अरे वो तो सुबह ही डैडी जी को घर का बाग डोर देके किसी डोर से गई। आप कहाँ थे? अरे क्या हुआ? इस घर में प्लान चेंज हो जाते हैं और मुझे बताना कोई जरूरी नहीं समझता। पर पापा आप कैसे मान गए? आपने जाने कैसे दिया उन्हें? पराठे कितने लेगा? आपको पराठे की पड़ी है, मेरी वहां राठी के सामने किरकिरी हो गई। दो खाएगा या तीन? अरे पापा बात समझ, दो खाएगा या तीन? अरे तू फिर चिल्लाया, बोल के गला फाड़ा करना तो ये कान की मशीन निकाल दिया करो, पूरे कान में की हो जाती। वो मेरी कोई बात क्यों नहीं मानती अम्मा? कितनी बार कहा, सविता दुकान चल नहीं रही, बेच देते, कर्जा भी निकल जाएगा और बैंक में पैसे भी जमा हो जाएंगे। पर नहीं, उसका दिमाग भी उसकी तरह स्कूटी पर सवार रहता है। अरे बहुत उससे क्या कह रही है, यही तो कह रही है ना कि तूने करके देख लिया, एक बार उसे भी करके देख लेने दे। तो करने दे, दो दिन में अकल आ जाएगी उसे अम्मा, दो दिन में। घर चलाना और बात है और दुकान चलाना और। ये बात तो तुझ पे भी लागू होती है, दुकान तो तू भी नहीं चला पाया, अब कम से कम घर चला ले। मम्मी चाय। तू 12 बजे सो के उठता है? पापा आप दुकान पे नहीं गए आज? जानती हूँ आप पूरी दुनिया की सुनने में बिजी हैं, लेकिन एक बार मेरी भी सुन लो माँ, एक बार नजर डाल लो। आज का दिन मेरे लिए बहुत अहम है, अगर ये दुकान बंद पड़ गई तो मेरा घर बिखर जाएगा। सिर्फ आप पे भरोसा करके मैंने ये दुकान खोली है, अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए मांग रही हूं मां। चलवा दो हमारी दुकान, कर दो कोई चमत्कार।
आप एक काम कीजिए, आप ही लोग दे दीजिए, वहाँ तो बुलडोजर आ गया है। बुलडोजर? वो बोल रहे हैं इलीगल कंस्ट्रक्शन है, तोड़ना है उनकी दुकान। उल्लू भाई 2 किलो से मुझे दो। हाँ, दे रहा हूँ। आप दुकान खाली करिए, मुझे जल्दी तोड़ना है। चलो सर, 2 मिनट, मालिक को फोन करता सर। जो करना है जल्दी करो सर। 2 मिनट सर, प्लीज। दे रहा हूँ। कहा था ना उल्लू, माँ मेरी जरूर सुनेगी। कर दिया ना माने चमत्कार। अरे रुपया लाइक। हेलो हेलो सविता, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? जोर से बोलिए। अरे जोर से बोलने वाली चीज नहीं है, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? आपकी आवाज कट रही है और यहाँ पे बहुत भीड़ है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मैं बाद में बात करती हूँ। अरे देखिए मैडम जी, इस घर में कोई गर्भवती महिला नहीं है यहाँ पे। और सविता तोशनीवाल ही रहती है ना? हाँ, सविता तोशनीवाल हमारी सासू माँ है। बताइए क्या बात है? अब आपकी सासू माँ माँ बनने वाली है। इतनी देर से इन्हें मैं समझा रही हूँ, ये समझ ही नहीं रहे हैं। अभी स्वास्थ्य केंद्र के हिसाब से तो ये गलत नहीं हो सकता ना, पिछले मंथ की एंट्री है। डीजे, क्या चल रहा है? डैडी जी कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कर दिए है। तुम्हारा छोटा भाई आ रहा है और हमारा बेबी साले सा है। क्यों, घर में लड़की भी तो आ सकती है ना? घर में तो माइक्रोवेव आना चाहिए था मैडम, लेकिन अब जाने दीजिए। मैडम आप अपने रिकॉर्ड्स चेक कीजिए, शायद आप किसी और सविता के बारे में बात कर रही हैं। हाँ चेक कीजिए, ये देखिए। योजना के तहत मुझे जच्चा को 5,000 रुपए भत्ता देना था, अभी पूरा दिन तो नहीं है ना मेरे पास। अब मैं कल आऊंगी। मैं समझ गया डैडी जी, जैसा आप सोच रहे हैं ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है, ये आपके बड़े सुपुत्र रोहित जी का झोल है। फर्जी फॉर्म भर के सरकारी स्कीम से पैसे कमाता है। चलिए हटिए, चलिए बाहर आइए, हटिए बाहर आइए, चलिए बाहर आइए, बाहर चलिए। मैंने कहा ना बाहर चलिए। हाँ जी बताइए, आप क्या लेंगे? देखिए मैडम, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप बाहर आइए, दुकान तोड़नी है। दुकानों के नाम एक जैसा होने की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। नोटिस न्यू सुख सागर के लिए नहीं, सुख सागर नमकीन के लिए। ऐसे कैसे तोड़ देंगे? 76 साल से हमारी दुकान यही है, आज तक कोई नहीं आया। पुराने ऑफिसरों ने क्या किया उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। आपकी वैसे भी दुकान ये 5 फीट परमिट से बाहर है, गैर कानूनी है। चलिए बाहर, तोड़नी पड़ेगी। चलो आओ, बुला बुलडोजर बुला। आने दे, आने दे, बस बस चल तोड़ना शुरू कर। रुकिए, पीछे हटिए। डट कर, पीछे हटिए। रुक जाइए, कोई हाथ नहीं लगाएगा मेरी दुकान को। हाथ लगाए बिना ही काम हो जाएगा, आप प्लीज हटिए यहाँ से। चलो तोड़ना शुरू करो तुम लोग। रुक जाइए, आपको जो भी कानूनी कार्रवाई करनी है आप कर लीजिए, लेकिन दुकान मत तोड़िए, प्लीज दुकान मत तोड़िए। मैडम आप खामखा काम में दखलंदाजी कर रही हैं, तोड़ने दीजिए उसको। सुनिए सुनिए, आपको नोटिस लगानी है लगा दीजिए, लेकिन प्लीज बुलडोजर मत चलाइए। प्लीज सर, प्लीज प्लीज, मैं हाथ जोड़ दिया, प्लीज हाथ हाथ जोड़ दिया। वैसे भी 6 बज चुके हैं, कल बुलडोजर चलाएंगे। सील करो दुकान। सील? जी हाँ, और अगर आपने सरकारी कार्रवाई में अभी दखलंदाजी की तो अभी आप पर 20,000 का फाइन लगा दूंगा मैं। गुस्से में भी ये वाला आवाज नहीं तोड़ना था पापा। क्या हुआ मम्मी? एक बुरी खबर है। एक? मेरे पास तो एक लंबी लाइन है बुरी खबरों की। तुम्हारा ये बड़ा बेटा स्कैम करने लगा है।
ये देखो, सरकारी भत्ता खाने के लिए तुम्हें गर्भवती और मुझे दिव्यांग दिखाया है और अम्मा को स्वतंत्रता सेनानी, ये काम कर रहा है ये। जिनकी बातों में आकर ये सब कुछ बोल रहे हैं ना आप, वो भी कोई कम स्कैम नहीं करते। पिछले 3 सालों से आईएएस की स्टडीज के बहाने ससुराल में पड़े पड़े जिंदगी के मजे लूट रहे हैं। जरा पूछिए इनसे कि सबरवाल कोचिंग क्यों ज्वाइन की, जबकि आईएएस की स्टडीज के लिए एसके कोचिंग सबसे बेस्ट है। अरे एसके वाला लूटता है, सबरवाल जाके तो हमने सासू माँ के पैसे बचाए, बताओ यार। क्या भैया, सही तो कह रहे ना जीजा, बिना बात के क्यों लपेट रहे हो इनको? क्योंकि एक नंबर के छैला है जीजा। सबरवाल कोचिंग क्लासेस में लेडी टीचर्स पढ़ाती है, इसलिए उन्होंने वहां पर ज्वाइन किया है। और जीजे, डिम्पी मैडम के कितने बड़े दीवाने हो ये बात उनके हस्बैंड को पता है। ए भाई, साथी सुधा हूं मैं, तुम्हारी बहन से प्यार करता हूं, ऐसा करूंगा क्या? डैडी जी, आप आदिति को फोन करके पूछ लीजिए। आई मीन सर एवरी डे। इसे क्यों छोड़ देते हम? हमारे जीजाजी का सपोर्टर MBA, लाखों के सैलरी का पैकेज लाते हैं घर में, पूरा दिन वीडियो गेम खेलते रहता है, उसके अलावा और कुछ नहीं करता। मुश्किल से एक नौकरी दिलवाई थी, वो भी छोड़कर आ गए। ऐसी फालतू नौकरी करनी भी नहीं मुझको। अरे अच्छे अच्छे लोग करते हैं यार, तुम नहीं करनी ना। घर का तो बाजा बजा पड़ा है सविता, बड़ा बेटा लालच में डूबा है, छोटा बेटा आलस में, बहू घमंड में घर छोड़ के मायके बैठी है। एक ही बेटी है और वो भी भाइयों से जलती है, और दामाद जी तो पढ़ाई लिखाई के नाम पे लेडी टीचरों की आराधना में लगे हुए हैं, और इस सब की जिम्मेदार तुम हो सविता। तुम, तुम्हें अपने मोह में कुछ दिखाई नहीं दिया। मैं इतने सालों से दुकान पे था और तुम इस सब पे पर्दा डालती रही। सुबह कहकर गई थी आज जरूर कुछ चमत्कार होगा, हुआ? आप चाहते थे ना कि दुकान बंद हो जाए, हो गई बंद। नगर पालिका वालों ने दुकान पे सील लगा दी। बड़ा बेटा लालच में डूबा है, छोटा बेटा आलस में, एक ही बेटी थी और वो भी भाइयों से जलती है, और इस सब की जिम्मेदार तुम दो सविता। तुम्हें अपने मुंह में कुछ दिखाई नहीं दिया, सब कुछ कुछ बढ़िया मेट कर दिया तुमने सविता। आपके मिलने का समय खत्म हो चुका है, फिर भी आपको डिस्टर्ब कर रही हूं। बचपन में मेरे गांव में झांकियां निकलती थी, एक बार झांकी में मैं भी लक्ष्मी बनी थी। कुछ नहीं करना था,
लोग आते थे, माथा टेक के चले जाते थे, मैं बस हाथ ऐसे करके खड़ी रहती थी। और आपको देख के उसे की याद आ गई मुझे। बस माँ, बस आज के बाद मैं आपकी क्लास में अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी, क्योंकि आज मैं आपकी अटेंडेंस ले रही हूँ। लक्ष्मी माँ धरती पे प्रेजेंट है या एब्सेंट, ये पता करने आई। मैं आपका नाम पुकारूंगी, अगर आप सच मुझे हो तो बोल देना प्रेजेंट, बोल ना पाए तो कोई इशारा कर देना, हवा चला देना, पत्ते हिला देना, बारिश करा देना, कुछ भी, मैं समझ जाऊंगी। लेकिन आज बिना जाने मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। लक्ष्मी मां, लक्ष्मी मां, लक्ष्मी मां, लक्ष्मी मां, आपका दिया मेरे पास कुछ भी नहीं है मां, बस एक भरोसा था वो भी खत्म हो रहा है। लक्ष्मी मां, कर दो कोई इशारा, मेरा विश्वास बना रहेगा मां, मेरे लिए उतना ही काफी है।
किस्मत की रेखा तुम जिसको चाहो मैं उसका भला तुम ही इस दुनिया की 64 कला श्री लक्ष्मी जय लक्ष्मी तुम चंचला तुम ही कमला विमला तुम मंगला शाम तक हो शुभ लाभ धन वैभव खूब बरसे हर पल में हो शुभ लाभ शुभ लाभ शुभ लाभ शुभ लाभ